हार्ट से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आएं मुग्धा ईईसीबी एंड हार्ट केयर सेंटर, जहां होता है 70% से 100% हार्ट ब्लॉकेजेस ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी, नो साइड इफेक्ट, विद एडवांस्ड साउंडलेस पीएसके मशीन। मुग्धा ईईसीपी एंड हार्ट केयर सेंटर, बिहाइंड माउंट कामल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर। अजनी पुलिस ने चाकू का ठोस दिखाकर बार मालक को शराब के लिए धमकाने वाले 20 वर्षीय आरोपी अनुराग दुबे को गिरफ्तार किया है। बार चालक ने शराब न देने पर युवक ने चाकू दिखाने की बात की जा रही है। 30 वर्षीय अंशुल हमराजानी का मारीवाड़ा चौक बेसा रोड पर बार है, जिसका वह संचालन करते हैं। घटना के दिन युवक जरूरत से ज्यादा शराब पी कर आया और फिर से शराब की मांग करने लगा, जिसका विरोध बार के वेटर द्वारा करने पर युवक ने चाकू निकालकर धमकाने लगा, जिस पर बार संचालक द्वारा वेटर की मदद से चाकू छीनकर युवक को बाहर भेजा गया, जिसके बाद पुलिस को बुलाकर युवक को सौंप दिया गया। काल 15/5/2024 साढ़े 21 ही घटना है। मानेवाड़ा बेसा रोड या ठिकाणी स्वर्ग बार आहे, तो अंशुल हिमराजनी यांचा बार आहे। तर अनुराग दुबे नावाचा जो आरोपी आहे तो त्या ठिकाणी गेला, ऑलरेडी तो दारू पिऊन होता आणि बार मध्ये जाऊन तो दारू मागू लागला। त्यांनी दारू पिऊन असल्यामुळे ऑलरेडी तो त्यांनी दारू दिली नाही, तर मला दारू का देत नाही म्हणून त्यांनी जे अंशुलला आहे ते शिवीगाळ केली आणि तसेच स्वतःच्या कमरेमध्ये लपवून ठेवला चाकू काढला। त्यावेळेस मग अंशुलनी त्याच्या वेटरच्या मदतीने त्याला पकडले आणि त्याच्या जवळचा चाकू काढून घेतला व त्यांनी पोलिसांना फोन केले। मग पोलिसांना फोन केल्यानंतर अजनी पोलीस स्टेशनमधून PSI उपाध्ये व स्टाफसह त्या ठिकाणी गेले व त्यांनी आरोपीला चाकूसह पोलीस स्टेशनला घेऊन त्याच्या विरोधामध्ये गुन्हा दाखल केलेला आहे व सध्या त्याला अटक केलेली आहे। तर याच्या अगोदर याच्यावर गुन्हे वगैरे दाखल नाही आहे, पण तो स्वतःचा कॅटरिंगचा व्यवसाय करतो अशी माहिती मिळाली आहे। शराब के लिए हत्या किए जाने की घटनाएं इससे पहले भी सामने आई है। नशे की चीजों को लेकर हो रही इन घटनाओं पर लगाम लगाना चाहिए। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ प्रकाश शुक्लवार की रिपोर्ट।